हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक चर्चित विषय पर वीडियो लेके आया हूँ जो आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, जो है अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आजकल बहुत अत्यधिक चर्चा में चल रहा है आजकल, तो हम आज जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो पहला पॉइंट लेके चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है, माना कि आजकल केंद्र सरकार में जैसे बीजेपी है, तो उसके विपक्ष की पार्टियां क्या करेंगी कि वो अपने 50 सांसदों का लिखित प्रत्यावेदन लेके लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। लिखित में देंगे कि हम इस सत्तारूढ़ पार्टी से सहमत नहीं हैं और हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को 50 सांसद क्या करते हैं, लिखित में देते हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो अगर 50 सांसद लिख के देते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चाहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। यही एक अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास जताना। तो इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो किस बेस पर करता है, जो सांसद होते हैं वो 50 सांसद लिख के देंगे कि हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो इस आधार पर लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को पारित करता है। अगर 50 सांसदों से कम होता है जो प्रत्यावेदन देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तथा इसको निलंबित कर दिया जाता है, प्रस्ताव को निलंबित कर दिया जाता है। तो यही है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से ही पारित होता है, जिसमें कुल सदस्य संघ का जो सदस्य संख्या होती है उसमें से 50 सांसद लिखित में प्रतिवेदन देते हैं, उसके पश्चात ही अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, सत्ताधारी पार्टी जो होती है अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, अगर जो सत्ताधारी पार्टी है, अभी केंद्र में बीजेपी है, जो एनडीए है, एनडीए का तात्पर्य है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो एनडीए विभिन्न जो पार्टियां हैं उनको मिलकर बनी हुई है, एक सत्ताधारी पार्टी है, ठीक है। माने बीजेपी अभी सत्ता में है, तो इनके जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, मतलब विभिन्न पार्टियों का एक मिलान बना हुआ है, वो है एनडीए। अब देखो, विभिन्न पार्टियों के मिलान बना हुआ है, मतलब जैसे देखो शिवसेना है, बीजेपी है, एलजेपी है, ठीक है, अकाली दल है, तो इन सब का एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। आपने बहुत बार सुना होगा कि एनडीए की पार्टी सत्ता में आ गई है, ठीक है, इसी को कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो अभी कौन है, एनडीए की पार्टी सत्ता में है, मतलब बीजेपी की पार्टी है, ठीक है। अगर वो क्या करती है, बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, कि अभी इन्होंने इनको बहुमत साबित करने के लिए कितना चाहिए, 268 सीटें इनको बहुमत साबित करने के लिए चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में इनके पास हैं 310 सांसद, कितने, 310 सांसद इन पे वर्तमान में है। तो अभी इनके पास 268 जो बहुमत साबित करने के लिए एक आंकड़ा है, उससे बहुत अधिक सांसदों की संख्या इनके पास है, मतलब ये बहुमत में है अभी, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। इसी के कारण ही सरकार गिराने के मकसद से ही इसको अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, ठीक है। तो केंद्र में क्या होता है, यह लोकसभा में पारित होता है हमेशा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा कि राज्यसभा क्या होती है, उच्च सदन होती है, और लोकसभा क्या होती है, निम्न सदन होती है। यह केंद्र में जो होता है सत्ताधारी, सेंटर की गवर्नमेंट होती है, वहाँ हमेशा लोकसभा में यह पारित होता है और राज्यसभा में, विधानसभा में पारित होता है कभी भी अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं, यह है अविश्वास प्रस्ताव का क्या नियम है। तो अविश्वास प्रस्ताव का नियम बताता हूँ मैं आपको। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, अभी तक कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि जो संविधान प्रस्ताव को लिखित में होगा कि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव इस अनुच्छेद में है, ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है। अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है। हर सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, जो भी है, ये अपनी प्रक्रिया बना सकता है। जबकि 198 के तहत ऐसी व्यवस्था की हुई है
कि लोक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। तो कोई भी सदस्य क्या है, जैसे माना कोई भी सांसद है, वो लोकसभा अध्यक्ष को निम्न सदन में, जैसे केंद्र का कोई सदस्य है, वो लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कभी भी दे सकता है, ठीक है। वो उसकी इच्छा है कि वो कब दें, क्या दें, ठीक है। वो क्या पूर्ण रूप से इसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहता है, ठीक है। ऐसा कोई भी सदस्य कर सकता है। जो आजकल मंगलवार को 18 जुलाई को हुआ था, ये आपको उदाहरण देखो, आजकल ये इसीलिए चर्चा में चल रहा है कि आजकल 18 जुलाई को क्या हुआ था, टीडीपी, जो टीडीपी है, जो कांग्रेस समर्थित है एक पार्टी टीडीपी, और कांग्रेस के सदस्यों ने क्या किया था कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या किया था कि अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिस पर शुक्रवार को कल बहस हुई थी। इसमें क्या हुआ कि जिसमें भाजपा कैंडिडेट सरकार ने समर्थन हासिल कर दिया। इनको समर्थन हासिल करने के लिए चाहिए था कितने, 268 कैंडिडेट चाहिए थे इनको समर्थन हासिल करने के लिए, लेकिन क्या हुआ और इन्होंने क्या कर दिया, समर्थन हासिल कर दिया। तो कोई भी क्या होता है, जब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष किसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है, तो उसको 10 दिनों के अंदर क्या होता है कि अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, या अविश्वास प्रस्ताव नाकाम करना पड़ता है, या बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 18 जुलाई को क्या हुआ कि टीडीपी और कांग्रेस, जो ये टीडीपी क्या है कि कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है टीडीपी, तो उन्होंने क्या किया कि इनके सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया कि हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो जिस पर शुक्रवार को, मतलब कल 20 तारीख को बहस हुई, और इसमें क्या हुआ कि भाजपा समर्थित एनडीए पार्टी जो है उसने समर्थन हासिल कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव को विफल कर दिया। अभी इनको चाहिए थी 268 सीटें चाहिए थी समर्थन हासिल करने के लिए, और इनके पास पूरा बहुमत था कितने का, 310 सांसदों का पूरा बहुमत था। तो इस पे बीच में शिवसेना ने क्या किया था, सबसे ज़्यादा समर्थन इनका शिवसेना का है, 18 सीटों का समर्थन है एनडीए को शिवसेना का। तो शिवसेना ने अंतिम टाइम पे क्या कर दिया, इनको वोट देने से मना कर दिया था कि हम ना इनके विपक्ष में वोट देंगे ना पक्ष में वोट देंगे, फिर भी इन्होंने बहुमत हासिल कर लिया, ठीक है। इनके पास बहुत सारी सीटें हैं अभी वर्तमान में, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई बहुमत साबित करने में, ठीक है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव विफल रहा, इसीलिए ये चर्चा में था आजकल कि पहली बार 2003 के बाद पहली बार जो नरेंद्र मोदी है उनके खिलाफ, किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बाद 2003 के बाद से पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसीलिए ये चर्चा में था, लेकिन ये प्रस्ताव क्या हो गया, विफल हो गया। तो अगला पॉइंट है किस तरह पारित होता है प्रस्ताव। तो देखिए, प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि विपक्षी दल को क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को, जो वर्तमान में सुमित्रा महाजन है, उनको क्या करना होता है, इसकी सूचना, लिखित सूचना देनी पड़ती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहता है या कहती है, ठीक है। यह आवाज सदन में तब तक उठती है जब तक किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है। अगर सरकार दल का या सदन का विश्वास खो चुकी है, यह बात तब तक सदन में चलती रहती है, उठती रहती है, इसमें हंगामे होते रहते हैं, ये आए दिन आपको पता है, ठीक है। इसमें पिछले दिनों भी बहुत सारा हंगामा हुआ था। तो फिलहाल विपक्ष ने क्या किया कि भाजपा को घेरने के लिए क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, ठीक है। और विश्वास प्रस्ताव का समर्थन पारित करने में विपक्ष नाकामयाब रहा। अविश्वास प्रस्ताव तो इन्होंने ला दिया, लेकिन इसको क्या किया, इनको समर्थन पारित नहीं होने दिया, विश्वास प्रस्ताव को समर्थन पारित नहीं कर पाए, और ये नाकामयाब हो गया। इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव नाकामयाब रहा, ठीक है। तो अब देख लें, अगला पॉइंट है कि कब स्वीकार किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव और क्या होता है मंजूरी मिलने के बाद। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 50 सदस्य मिनिमम होना चाहिए सदन का, और वो ये लिखित में देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, तभी ये स्वीकार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है कि 10 दिन के अंदर इस पर सदन में चर्चा की जाती है। सेंटर का होगा तो लोकसभा में सदन चर्चा की जाएगी, और राज्यसभा का है तो विधानसभा में चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद क्या होता है, स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को, स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराता है। वोटिंग के पश्चात
फैसला लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने कल भी देखा होगा कि वोटिंग हुई थी तो क्या होगा, NDA मतलब भाजपा पार्टी क्या हुए, समर्थन हासिल करने में कामयाब रही, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास देखते हैं इसके बाद, अविश्वास प्रस्ताव का कैसा इतिहास रहा, ठीक है, कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो संसद में अब तक क्या हुआ, 25 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव संसद में 25 बार रखे गए हैं अभी तक, ठीक है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आज कल ये चर्चा के विषय है, तो आने वाले पेपरों में करंट अफेयर के क्वेश्चन में दे सकता है कि इतिहास कैसा है इसका, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास कैसा है। तो पहली बार अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, तो तात्कालिक प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उसके खिलाफ रखा गया था ये प्रस्ताव JB कृपलानी के द्वारा 1963 में, और इस प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे। पक्ष में पड़े थे 62 वोट और विरोध में पड़े थे 347 वोट। तो इन्होंने क्या किया था, अविश्वास प्रस्ताव विफल कर दिया था क्योंकि इनके विरोध में पड़े थे 347 वोट, ठीक है, और 62% के 62 वोट पड़े थे पक्ष में, ठीक है, कि जो चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव को विफल कर दिया था। यहाँ पे पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ आया था जो अभी बता चुका हूँ मैं, तब से लेकर अब तक संसद में 25 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, 24 बार ये प्रस्ताव असफल रहे हैं, लेकिन 1978 में से एक प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1978 में पहली बार क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया था। 25 बार में से 25 बार रखे गए हैं और 24 बार ये प्रस्ताव असफल रहे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण। तो वैसे मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे, पहले प्रस्ताव में से तो इन्होंने कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे में क्या हुआ कि इनकी सरकार, जो इनके सहयोगी दल थे, इनमें आपसी मतभेद के कारण ये सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण। तो अपनी हार का अंदाज़ा लगते ही मोरारजी देसाई ने क्या किया था कि जो वोटिंग थी उससे पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था, ठीक है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रस्ताव कब पारित हुए, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रस्ताव 15 अविश्वास प्रस्ताव जो है इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आए हैं, 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ आए हैं, सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी पर लगे हुए हैं 15 अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव पर, नरसिंहा राव बोलते हैं इनको, इनकी सरकारों पर 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था इनको, ठीक है। और 1993 में नरसिंह राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हरा पाए थे, मतलब लगभग सरकार गिरते गिरते बची थी इस टाइम पे। नरसिंहा राव ने क्या किया था, बहुत कम अंतर से, मतलब ऐसा लग रहा था कि अंतिम समय में सरकार गिरी जाएगी, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ कि बहुत कम अंतर से इन्होंने अपनी सरकार को बचा दिया। बाद में इनकी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को प्रलोभन देने का आरोप भी लगा था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सांसद खरीदारी ये वो विपक्ष आरोप लगाता रहता है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि उस टाइम भी यही हुआ था कि इन्होंने क्या किया कि प्रलोभन दे के विपक्षी के सांसदों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीदाया, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ज्योतिर्मयी बसु के नाम है, इन्होंने सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हुए हैं, किन्होंने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योतिर्मयी बसु ने, ठीक है, इनके नाम रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योतिर्मयी बसु के नाम है इनके रिकॉर्ड। तो इन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध रखे, ठीक है। और ये जाने माने, अब देखो इनका नंबर है, जाने माने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ये भी 2 बार इसका सामना कर चुके हैं, 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं। स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं, ठीक है। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ था और दूसरा नरसिंह राव सरकार के खिलाफ, इन्होंने दूसरे के खिलाफ भी लगाए हैं अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन इनको बाद में खुद स्वयं अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने 2 बार विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया और दोनों बार वे असफल रहे। तो
प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने दो बार विश्वास प्रस्ताव हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों ही बार उनकी सरकार गिर गई। पहली बार 1996 में तो उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था मेरी सरकार गिर रही है, ठीक है, और मेरे पास समर्थन नहीं है। तो और 1998 में वो एक वोट से हार गए थे, बहुत कम अंतर से एक वोट से अंतिम टाइम पे वो हार गए थे और उनकी सरकार यहाँ भी गिर गई थी। जो जाने माने प्रधानमंत्री माने जाते हैं भारत के अभी तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसका सामना कर चुके हैं और दो बार इनकी सरकार गिर चुके हैं 1996 और 1998 में। 5 साल से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक 4 बार ध्वनिमत से फैसला हुआ है, जबकि 20 बार इन पर मत विभाजन कराया गया है। ध्वनिमत का मतलब है कि बोलने पे या बोलने से वोटिंग की जाती है कि मैं इसके समर्थन में हूँ। तो इस बार इसका फैसला सबसे ज़्यादा बार किया जा चुका है, और जबकि 20 बार क्या हुआ, 4 बार की ध्वनिमत से हुआ है फैसला, और 20 बार क्या हुआ है, मत विभाजन कराना पड़ा था कि कौन समर्थन हासिल कर पाता है अपने सांसदों का, ठीक है, कौन अपनी सरकार बचा पाता है, इसके लिए वोटिंग हुई थी 20 बार, ठीक है। अब देखो विश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव को तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन अब विश्वास प्रस्ताव क्या है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को 10 बार ये मत लेने को कहा गया है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव के तात्पर्य है ऐसे में मतों में 5 सफल रहे और 5 असफल रहे, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि विपक्ष की सरकार को यह विश्वास दिलाना होता है कि हम इस सरकार को गिरा सकते हैं, ठीक है, उनको पूर्ण विश्वास दिलाना होता है लोकसभा अध्यक्ष को या देश को जो भी है कि हम इस सरकार के खिलाफ इस सरकार से सहमत नहीं है और हमें विश्वास है कि हम इसको गिरा सकते हैं, ठीक है। ये होता है विश्वास प्रस्ताव, उनको पूर्ण विश्वास होना होता है कि हम इस सरकार को गिरा सकते हैं, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव क्या है कि वो उसको पारित कर देते हैं, हम इसके खिलाफ विश्वास उनको स्वयं का है कि हम गिरा सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं अविश्वास प्रस्ताव को पारित और सरकार गिर नहीं पाती है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में होती है वो सरकार, ठीक है, जो अपनी सरकार को बचाना चाहती है, और पक्ष में होती है वो सरकार, विपक्षी सरकार, जो उनको गिराना चाहती है, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ इस विषय में, ठीक है। तो 90 के दशक में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवेगौड़ा के गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी सरकारें क्या हुई, विश्वास प्रस्ताव से हार गई थी, मतलब अविश्वास प्रस्ताव इनको मिल गया था, उनको उनकी सरकार जो विपक्ष का विश्वास था कि हम इस सरकार को गिरा पाए, वो उसमें सफल हो गए थे और ये अपनी सरकार को गिराने से बचाने में असमर्थ थे, ठीक है। ऐसी प्रस्ताव में 1979 में क्या हुआ कि जरूरी समर्थन न जुटा पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। 1979 में ऐसे एक प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन न जुटा पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये है अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। वर्तमान लोकसभा की स्थिति देखते हैं हम, वर्तमान में क्या है कि 535 सदस्य हैं, ठीक है, सांसद हैं एनडीए के पास, टोटल जो सांसद हैं वो 535 हैं। और कल जो बहुमत साबित करना था, 10 दिन का टाइम कल पूरा हो रहा था शुक्रवार को, उसमें उन्होंने क्या किया कि बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक सांसद संख्या उनको चाहिए थी 268, ठीक है, और इनके पास वर्तमान में कितने हैं, एनडी के पास कुल सांसद 310, तो ये बहुमत साबित करने के आंकड़े से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है कि कल एनडीए की सरकार ने अपनी सरकार को गिराने से बचा दिया और पूर्ण बहुमत हासिल किया और साबित किया कि हमारी सरकार, ठीक है, हमारी सरकार क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है। तो एनडीए के कितने हैं, 310, इनमें शिवसेना के 18 हैं, एलजेपी के 6 हैं, अकाली दल के 4 हैं, और अन्य जो निर्दलीय सांसद थे जो जिनका जिन्होंने कि एनडीए को समर्थन दिया था वो 9 हैं, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव आपकी समझ में आ ही चुका होगा, और लोकसभा सदस्य क्या करती है, इस विश्वास प्रस्ताव को पारित करती है। जब 50 सदस्य क्या करते हैं, लिखित देते हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप बने रहिए, और प्लीज़ कमेंट में जो समझ में नहीं आया उसको बताइए, अपने क्वेश्चन बताइए, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।